अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन नंबर 4 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे कुछ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप ये है कि आप HRM पढ़ रहे हैं, तो HRM जो है वो एक सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड तरीका या सिस्टम या जरिया या सोर्स जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया जाता है इस सिस्टम के थ्रू। सो HRM एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम है लोगों को मैनेज करने के लिए, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, आपने जब भी माइंड में HR के बारे में सोचना है तो आपने HR को एक सिस्टम ही कंसीडर करना है। तो हमने प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि HR के जो चार प्रोसेसेस हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो किए जाते हैं, प्लानिंग, रेमोरेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इम्प्लाई रिलेशन, इसे हमने पिछले लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म में देखा। तो आज हम इसमें से जो फर्स्ट प्रोसेस है HR प्लानिंग, उसके ऊपर व्यू करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हमने देखा था पहले कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग और ट्रेनिंग HR प्लानिंग का हिस्सा है। ये सारे इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें इसका मकसद होता है कि एम्प्लाईज को अट्रैक्ट किया जाए, शॉर्ट लिस्टिंग की जाए, फिर उसके बाद उनमें से चुन के हायर कर लिया जाए और ट्रेनिंग दी जाए और काम पे उन्हें जो है वो लगा दिया जाए। तो ये सारा परफॉर्म होता है किस एरिया में, HR प्लानिंग में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चार प्रोसेसेस हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से पहला प्रोसेस है HR प्लानिंग। तो HR प्लानिंग के बारे में आज हम कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, और ये कहाँ से पढ़ेंगे, जो FPSC ने बुक रिकमेंड की है, SG ग्राहम एंड रोजर बेनेट की, उस बुक में से जो है वो हम पढ़ेंगे ये वाला हिस्सा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो ये बुक जो है वो लेक्चर के बाद कल पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी, एंड मैं कोशिश करूंगा अगर व्हाट्सएप पे सेंड हो सके तो मैं भेज दूँ, वरना कल आपको ये पोर्टल पे मिलेगी। ये लेक्चर अच्छी तरह सुने तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको कल ही मिलेगी। तो इस बुक का जो पार्ट 3 है वो डील करता है इस एरिया को, और चैप्टर नंबर 10 है इस बुक का, जिसका जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर पेज नंबर 163 से 159 तक जो है वो, 69 तक जो है वो आप जाके देख लीजिएगा अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो इस बुक में से। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो HR प्लानिंग क्या होती है, वो यहाँ पे कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मे बी डिफाइन एज ए अटेम्प्ट टू फोरकास्ट हाउ मेनी एंड व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर एंड व्हाट एक्सटेंट टू द डिमांड इज लाइकली टू बी मेट। कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हम उसमें फोरकास्ट करते हैं, पेशीन गोई करते हैं या अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में हमें कितने इम्प्लॉइज की जरूरत होगी और किस तरह के लोगों की हमें जरूरत होगी और किन लोगों के लिए जो है वो फ्यूचर में काम करने की जगह होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसकी तैयारी हम जो है वो पहले से ही कर लें, आज ही कर लें, बजाय के फ्यूचर में हम परेशान होते फिरें। तो आज जो है वो हम उस चीज़ की तैयारी कर लें जो फ्यूचर में होनी है, उसकी प्लान आज के दिन हम कर लें। तो इट इन्वॉल्व द कंपेरिजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन करंट ह्यूमन रिसोर्सेज विद लाइकली फ्यूचर नीड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली, वो इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम देखते हैं कि आज हमारे कितने वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, फ्यूचर में कितने रिक्वायर होंगे, हम देखते कैसे हैं। ऑब्वियसली हम कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के, उसकी सेल को देख के, उसकी जो है वो कितना एरिया कवर किया हुआ है उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने, उसे देखते हुए, उसके काम को देखते हुए हम ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, और फिर हम बैठ के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि इतने लोगों के लिए पहले से पाइपलाइन में प्लान होना चाहिए, ताकि कल को मुश्किल पेश ना आए जब ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ग्रो करे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग, रीडिप्लाइंग एंड पॉसिबली डिस्कार्डिंग इम्प्लाईज। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश करते हैं कि हमने हायरिंग कब करनी है, अगर ट्रेनिंग करवानी है इम्प्लाईज की तो वो किस तरह करवाएंगे, कब करवाएंगे, किन इम्प्लाईज को करवाएंगे, अगर इम्प्लाई एक जगह डिप्लाई है, एक जगह उसे लगाया गया है, किसी और जगह कमी हो जाती है तो वहां पे उसे डिप्लाई कैसे करेंगे, उसे पोस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास जो है वो प्लान होना चाहिए, पहले प्री प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसे इम्प्लाईज हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है या अच्छा काम नहीं कर रहे, तो फिर जो है वो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कार्ड कैसे करना है, निकालना कैसे है,
उन्हें जो है वो एग्जिट उनका कैसे करना है, तो वो भी सारी हम एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे उसके तमाम चीजें हम देखते हैं कि हमारे पास हायरिंग का प्लान जो है वो भी बनता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, ट्रेनिंग भी जो है वो इसी के अंदर अंडर जो है वो तय की जाती है कि कब ट्रेन करना है एम्प्लॉयज को, डिप्लॉय कैसे करना है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आगे वो कहते हैं कि इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड रिजल्ट इन द राइट पीपल डूइंग द राइट थिंग इन द राइट प्लेस एट प्रिसाइजली द राइट टाइम। वो कहते हैं जो सबसे अच्छी बेहतरीन पूरा असर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यही होती है कि सही लोग सही वक्त पे सही समय पे सही जगह पे काम करें ताकि जो है वो सही रिजल्ट अचीव किए जा सके। तो राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ये ह्यूमन रिसोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसकी अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाए उस जगह पे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम सफर ना हो बल्कि चलता रहे और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। द पर्पज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैन हेल्प इन मैनेजमेंट इन मेकिंग द डिसीजन इन फॉलोइंग एरियाज। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बेसिकली पर्पज है ना, वो इन ये सारे जो नीचे दिए गए एरियाज हैं इनमें हेल्प करता है, इनकी मैनेजमेंट में हमें हेल्प करता है। जब हमारे पास एक पूरा प्लान होता है तो हमें सडनली जो है वो ऑन स्पॉट बेसिस पे कुछ जो है वो नहीं करना पड़ता, बल्कि अगर प्रीपेयर हमारे पास एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट होती है तो हम उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग चीजें परफॉर्म करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो कहते हैं कि ये फॉलिंग एरियाज हैं। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये जितने भी कंटेंट्स हैं स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और स्लाइड के एंड तक, ये सारे के सारे इस बुक से लिए हैं मैंने, ये सारे इस बुक के हिस्से हैं जो एफपीएससी ने रिकमेंड की है आपको, बाहर से कोई भी चीज नहीं है इन स्लाइड्स में। तो रिक्रूटमेंट जो नए लोगों को भर्ती करना है, नए लोगों को लेके आना है, कब लेके आना है, उनकी कितनी पोजीशंस चाहिए, किन एरियाज में चाहिए, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, किस टाइम पे क्रिएट होंगी, किस लेवल की जॉब्स क्रिएट होंगी, छोटी बड़ी जो है वो, ये सारी की सारी वर्कर से लेकर जो है वो हायर मैनेजर्स तक सारी की सारी जो है वो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर करेंगे, इसमें ये हेल्प करती है हमें। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ रिडंडेंसीज, मतलब रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतू या बेकार चीजें, फालतू चीजें या बेकार काम या बेकार चीजें या बेकार लोग भी हो सकते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना समटाइम, उसमें एक कुछ ऐसे लोग उसका हिस्सा होते हैं, एम्प्लाई होते हैं जो बेकार होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन या गोल होता है, जो उसका मकसद होता है, उसमें हेल्प नहीं कर रहे होते बल्कि उल्टा ऑर्गेनाइजेशन पे बोझ होते हैं, जैसे सरकारी इदारे हैं पाकिस्तान के। तो इस तरह वो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी इस चीज को भी वो श्योर करती है कि ताकि फालतू या बेकार जो है वो जो लोग हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट ना करें, वो उनका उनका काम ऑर्गेनाइजेशन में रहना नहीं है बल्कि उनका काम ऑर्गेनाइजेशन निकल जाना है, बाहर जाना। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को अगर निकालना है, फजूल लोगों से इज्तनाब करना है, बेकार लोगों को बेदखल करना है उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसकी भी जो है वो तैयारी करती है प्लान की सूरत में। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं ट्रेनिंग नंबर एंड कैटेगरीज के, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही हम ये सारी चीजें तय करते हैं कि ट्रेनिंग किन एम्प्लाइज को देनी है, ठीक है, कितनी कैटेगरीज के एम्प्लाइज हैं हमारे पास, वर्कर्स हैं उसे अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, मैनेजर्स को अलग दी जाएगी, सुपरवाइजर को अलग दी जाएगी, मार्केटिंग वालों को, सेल्स वालों को, अकाउंट्स वालों को जो है वो, फाइनेंस वालों को, सबको अलग 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 ट्रेनिंग दी जाएगी ना, तो हर किसी को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से उनके लिए अलग 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 ट्रेनिंग प्लान्स होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे जो हर कैटेगरी के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। तो ये सारी ट्रेनिंग प्लान्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिजाइन भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। और ये कहाँ पे डिजाइन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही ये चीज तय की जाती है कि हम ट्रेनिंग कितने बंदों को देने वाले हैं, किन किन एरियाज में देने वाले हैं और कब कब देने वाले हैं। आगे वो कहते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो मैनेजमेंट का मतलब है जो हायर मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो एग्जेक्टिव ऑफिसर्स हैं, बड़े रैंक्स के ऑफिसर हैं, उन्हें उनकी तरक्की या उनकी जो है वो
कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना, उनकी स्किल्स को इन्हेंस करना, ताकि वो कंपनी के जो डिसीजन है सही मायने में ले पाए, तो उन्हें भी ट्रेनिंग की टाइम टू टाइम जरूरत होती है। तो उनकी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का काम भी यही डिपार्टमेंट करता है, और साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर ही ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, तय की जाती हैं प्लान के दौरान, प्लान में ये चीजें शामिल की जाती हैं। आगे वो कहते हैं एस्टिमेट्स ऑफ लेबर कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये चीज भी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक मिल है और उसे जो है वो 50 वर्कर उसके पास काम कर रहे हैं, और अब उसका उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, अब सीजन आ गया उसे, जैसे गन्ने का सीजन आ गया, उसकी ग्रोथ बढ़ी है, उसके ज्यादा लेबर की जरूरत है। तो ये एचआरपी में हम देखते हैं कि अगर हम इतने लोगों को मजीद हायर करते हैं तो हमारी लेबर कॉस्ट कितनी बन जाएगी, हमें कितने लोग कितनी अमाउंट जो है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी, उसके उस पूरा का जो एस्टिमेट है, जैसे सैलरी का एस्टिमेट होता है वर्कर्स की, एम्प्लाइज की, वो कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही करता है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो तो इशू करता है ना सैलरी, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो देखता है कि मैनेजर की सैलरी कितनी होगी, एम्प्लाई की कितनी होगी, सुपरवाइजर की कितनी होगी, और अगर नए बंदे हम भर्ती करते हैं, मजदूर भर्ती करते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर भर्ती करते हैं, तो उनकी सब लोगों की सैलरी कितनी होगी और कंपनी पे कितनी लागत आएगी, ये सारा जो प्लान है, जो उसकी फिजिबिलिटी है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ही बनाई जाती है। आगे वो कहते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब चीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब कंपनी जो है वो ग्रो कर पाए। तो जो करंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें वर्कर्स, हर चीज अगर पूरी है लेकिन उसमें वर्कर, यानी एक कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल जैसे एफबीआर है, अगर उसकी कैपेसिटी है 10,000 अरब टैक्स इकट्ठा करने की, लेकिन वो कर जो है रहा है वो 6,000 अरब रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो आउटपुट है वो भी कम नहीं है जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उसे फुल कैपेसिटी में अगर वो काम करे तो जो है वो ज्यादा टैक्स भी इकट्ठा कर सकता है। ऐसे जैसे एक मशीन होती है, उसकी एक फुल कैपेसिटी होती है कि फुल कैपेसिटी में वो इतनी प्रोडक्टिविटी कर सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल कैपेसिटी में वो इतनी चीज करती है, ये करती है, तो इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज पूरी है लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस की जाए, वो बढ़ाई जाए, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो उनसे चीजें काम ली जाए, तो इस पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, उन्हें किस तरह मोटिवेट करना है एम्प्लाइज को, उन्हें लालच देना है बोनसेस का, उनके आगे जो है वो सारे के सारे टारगेट्स रखने हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी को अटैच कर देना है उनकी परफॉर्मेंस के साथ, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा पाए ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी की सारी जो प्लानिंग बनाई जाती है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ये भी एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का हिस्सा होती है। वर्कर्स जो हैं वो इंसान हैं, उन्होंने रहना भी है, जगह की भी जरूरत है, तो उनका ख्याल रखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो उनके लिए कमरों का, रहायश का, घरों का बंदोबस्त करना, जो अच्छी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अकोमोडेशन उन्हें प्रोवाइड करती हैं, तो वो अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स उनकी सारी की सारी, उस उनका प्लान, घर वगैरह हर चीज के बारे में, वो सारा भी यही लोग तय करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ही ये चीजें आती हैं। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पर्पस क्या है? यही जो बुक है इसमें ये टॉपिक दिया गया है, एचआरपी पर्पस। तो वो कहते हैं कि कंपनी एचआरपी नीड कंटिन्यूस रीएडजस्टमेंट बिकॉज द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर अनस्टेबल एंड इट्स इन्वायरमेंट अनसर्टेन। वो कहते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना, ये नहीं है कि एक दफा हमने प्लान कर लिया सालों का और उसी के मुताबिक चीजें होनी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टाइम देखें, वक्त और टाइम में कितनी चीजें बदलती हैं, कंपनी क्योंकि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं ना, बाहर पूरा इन्वायरमेंट जो डायनेमिक्स है इन्वायरमेंट के, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, तो उन चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ कंपनी के जो इनसाइड है वहां पे भी इम्पैक्ट और इफेक्ट हो रहा है। जब वहां पे इफेक्ट हो रहा है तो कंपनी को कंटिन्यूसली जो अपनी एचआर जो है वो प्लान है उसे चेंज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसमें एडजस्टमेंट्स लानी पड़ेंगे, और किसी हो ये भी हो सकता है कि कंपनी के जो गोल्स हैं वो भी बदल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का टारगेट था कि इस साल मैंने 50 लाख रुपए की सेल करनी है, अब वो कहती है कि मैंने 1.5 करोड़ की सेल करनी है, जब उसका टारगेट बदल गया, ठीक है, उसका गोल बदल गया, उसने
तो वर्कफोर्स भी 3 गुना चाहिए ना, तो इसलिए फिर साथ ही जो है वो एचआर प्लानिंग में जो है वो नई ये गुंजाइश होनी चाहिए, ताकि उस टाइम जब कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर किया जा सके, उसकी प्लानिंग के अंदर ये चीज इजाजत दे उसे। तो इस तरह टाइम टू टाइम जैसे ही एक्सटर्नल सिचुएशन बदलती है या कंपनी के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स बदलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को भी रीएडजस्ट करना पड़ता है। जैसे एक कंपनी टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी, आईटी में कर रही थी, अब वो आईटी के अलावा जो है वो किसी और चीज में भी काम करना चाहती है, जैसे कि वो कई नए सेक्टर में काम करना चाहती है। जैसे फूड पांडा की मैं बात करूँ, फूड पांडा जो है वो फूड डिलीवरी सर्विस में काम कर रहा था, तो अब एडिशनली जो है वो उसमें भी आगे जो स्टोर के सामान है डिलीवरी में, उसके बाद मेडिसिन में भी आ गया। अभी रिसेंटली जो है कल परसों उन्होंने मज के नाम से लॉन्च किया है रिश्ता सर्विस, अब ये बहुत बड़ा मसला था, उसमें भी वो आ गए। तो इट्स मीन के उनके गोल्स बदल गए, पहले उनका गोल था फूड देना, फिर उनका मतलब गोल हो गया फूड प्लस जो है वो मेडिसिन देना, फिर उसके बाद गोल हो गया तीसरा भी कि स्टोर से ग्रोसरी का सामान देना, अब गोल हो गया कि जी अब रिश्ते सर्विस भी नहीं है पाकिस्तान में, वो भी लॉन्च करें, तो अब उनके 4 गोल हो गए। तो इसलिए जो उनका एचआर डिपार्टमेंट है उसे भी अपने पॉलिसीज को अपनी प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा, इस एरिया के लोग रखने पड़ेंगे। तो इस तरह ये एडजस्ट होती रहती है टाइम टू टाइम। इट आल्सो कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व सो मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये अब करंटली हम पढ़े हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पर्पस इस स्लाइड में। वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी टाइम टू टाइम एडजस्ट होती रहती है, इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल कहते हैं वेरिएशन, वेरिएशन से निकला है वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं कि ऐसी चीजें जो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, जैसे इन्वायरमेंट है, मौसम है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो आजाद है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी है वो हमेशा बदलती रहती है, तो वो भी कंपनी के कंट्रोल में तो नहीं है ना। जैसे डॉलर है, करेंसी है, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो भी बदलती रहती है, ठीक है। तो इस तरह जैसे मैंने आपको बताया मौसम की सूरत हाल, वो भी बदलती रहती है। जो एक्सटर्नल सारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किसी कंपनी के लिए, वो भी बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीजें कंपनी को अफेक्ट करती हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे डॉलर बढ़ा तो कंपनी की सेल्स इफेक्ट हुई, सारी कंपनी की इनसाइड इफेक्ट हुई, इकोनॉमी खराब हुई तो उसकी उनके एम्प्लॉयज की सैलरी इफेक्ट हुई, ठीक है। टेक्नोलॉजी आती है नहीं तो फिर भी कंपनी इफेक्ट होती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कहते हैं बहुत सारे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को टाइम टू टाइम जो है वो अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ता है इस बुक के मुताबिक। वो कह रहे हैं कि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब कौन से होते हैं वेरिएबल? सबसे पहले तो वो कहते हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन इतना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो बड़े बड़े लोगों का जो है वो उन्हें खा गया है। मतलब इन्वेंशन मीन्स के जिद्दत, कोई नई चीज ऐजाद होना, कोई नई चीज बनना दुनिया में। जैसे 90s में जो कंपनियां काम करती थी, जो उस टाइम की दुनिया की किंग थी, वो आज नजर भी नहीं आती, उन्हें कौन खा गया? उन्हें टेक्नोलॉजी कंपनियां खा गई, नई इन्वेंशन आ गई, उन्हें नई इन्वेंशन जो है वो खा गई। तो इस तरह कुछ बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे टाइप राइटर पहले होता था, उसे इन्वेंशन जो है वो कंप्यूटर की खा गई। जैसे जो है वो फीचर फोन थे सारे बटनों वाले, टेलीफोन थे, उन्हें इन्वेंशन खा गई, ठीक है। तो इस तरह जो नई इन्वेंशन होती है वो भी कंपनीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो उसे अपने आप को बदलना पड़ता है। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे पीटीसीएल थी, पीटीसीएल जो है वो जैसे 2007-08 में मोबाइल फोन आया तो जो है वो हुकूमत को ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इसे बेचो निकालो। हुकूमत ने तो निकाल दिया, तो जिन्होंने ऑन किया है 30-7 कंपनी ने, तो उन्होंने फिर जो है वो एचआर प्लानिंग जो है वो चेंज की, उसके एम्प्लॉयज को फारिग किया, खत्म किया, उसके बाद जो है वो उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए, उनकी परमानेंट जॉब खत्म की। तो इस तरह से, तो क्योंकि इन्वेंशन सारा इफेक्ट हुआ इन्वेंशन का। और इससे पहले ये सूरत हाल थी 2007 से पहले कि पीटीसीएल का कनेक्शन ही लगना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी इन्वेंशन बड़ी बड़ी कंपनीज को खा जाती है और अल्टीमेटली फिर उनकी एचआर प्लानिंग इफेक्ट होती है। पॉपुलेशन अगर बदल जाए जो है वो पॉपुलेशन अगर बदल जाती है तभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। एक फॉर एग्जांपल एक एरिया था, वहाँ पॉपुलेशन ही जो है वो कम हो गया, लोग ही छोड़ छाड़ के चले गए हैं, तो वहाँ पे जैसे अभी सैलाब वाला एरिया है,
अब सिलाव वाले एरिया में यूनिलीवर या कोई भी कंपनी काम तो नहीं कर सकती ना, उसके वर्कर्स काम तो नहीं कर सकते चाहे जितनी अच्छी भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं है, कहाँ काम करेंगे वो। तो पॉपुलेशन वहां की चेंज हो गई है, तो वो सारी की सारी उन्हें अपना प्लान भी जो है चेंज करना पड़ेगा, अफेक्ट उनका एचआर प्लान जो है वो अफेक्ट हो गया, उसे रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होगी तो कोई ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, कुदरत के कंट्रोल में है। रेजिस्टेंस टू चेंज सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं, कुछ पॉपुलेशन रेजिस्ट करती है कि नई चेंज नहीं आने देते। तो वहां पे भी जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ता है, जैसे वापडा है या मैपको है, तो हुकूमत का था कि ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसे इसकी मैनेजमेंट करें, ठीक है। हॉस्पिटल जो थे वहाँ, वो उसके लिए प्लान था पिछली हुकूमत का 2017-18-19 में, कि उसे जो है वो प्राइवेट मैनेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करें, जैसे आगा खान फाउंडेशन है बाकी। तो लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने इतना एहतजाज किया, रेजिस्टेंट थे वो चेंज के, हम नहीं बदलना चाहते। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, हुकूमत चाह रही थी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को लाया जाए, जो पाकिस्तान की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन हैं, आगा खान फाउंडेशन होगी, दूसरी होगी इंडस, हो गया इंडस फाउंडेशन हॉस्पिटल, हो गया ETC, तो उन्हें स्ट्रक्चर हुकूमत का, हॉस्पिटल हुकूमत के, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है हॉस्पिटल का, बिल्डिंग भी अच्छी है, उनके पास इक्विपमेंट भी है, हालात भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर बेहतर करना है तो उनकी मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए, मतलब फाउंडेशन को दे दी जाए। तो वहाँ पे उन्होंने रेजिस्ट किया और ये चीज़ नाकाम हो गई, ठीक है। तो साम टाइम इस वजह से भी हुकूमत को फिर ये वापस रीएडजस्ट करनी पड़ी अपनी पॉलिसी। कंज्यूमर डिमांड, साम टाइम कंज्यूमर की डिमांड बदल जाती है उस चीज़ को लेकर, तो फिर भी इफेक्ट होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद गवर्नमेंट साम टाइम इंटरवीन करती है, हुकूमत मुदाखलत करती है, तो फिर भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। साम टाइम ऐसे होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन करती है कंपनीज में या किसी सेक्टर में, तो बाउंड करती है कंपनीज को, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कदगन लगाती है। तो उस सिचुएशन को देखते भी हुए भी जो कंपनीज हैं वो अपनी HRP को एडजस्ट करती हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होना भी, मिसाल के इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे अभी करंटली जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं और गाड़ियां हैं पाकिस्तान में जो इंजन वाली गाड़ियां हैं, तो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है कि 2030 में 25% गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, होनी चाहिए। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने कहा है कि 2025 में या 2030 में, सॉरी, कि 100% गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक होंगी, दूसरी सब गाड़ियां इंडिया से खत्म, ठीक है। अब वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जो कंपनी है, टाटा कंपनी है, फोर्ड है इंडिया में, ठीक है, तो वो वही जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो इंजन का काम जानते हैं, उन्हें जो है वो 2032-33-35 तक चलाएं, नहीं, बल्कि उन्हें जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा और नए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है उसे कंप्लाई करने के लिए, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पे इंटरवेंशन कर दी है। कंपनी की तो वो नहीं थी, उसकी तो गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, तो हुकूमत ने जब इंटरवेंशन कर दी तो उन्हें उन्हें अपने उन्हें अप प्लान रीएडजस्ट करके वर्कर्स को जो है वो लाना पड़ेगा, नए वर्कर्स को ट्रेन देने करना पड़ेगा, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉरेन कंपटीशन सम टाइम ऐसा होता है कि फॉरेन गैर मुल्की फर्म जो है वो आ जाती हैं और आके जो है वो लोकल जो इंडस्ट्री है उसे मार दे देती हैं, तो लोकल कम जो कंपिटिटर होता है वो, जो लोकल कंपनी होती है वो कंपीट नहीं कर पाती। तो वहां पे भी जो है वो हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। जैसे मिसाल इसकी ये हो सकती है एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे दराज कंपनी थी, अब दराज कंपनी को अलीबाबा ग्रुप चाइना ने ओन कर लिया, ठीक है। अब इससे पहले कुछ और स्टोर भी थे, TCS इतनी बड़ी कंपनी है जिसका TCS कनेक्ट के नाम से स्टोर था, Symbios.pk स्टोर था, ये दो काफी बड़े स्टोर थे। तो TCS कनेक्ट तो बहुत बड़ा स्टोर था, दराज से भी बड़ा था एक टाइम पे, 2012 के टाइम पे, लेकिन बाद में दराज बड़ा हो गया, फिर दराज को अलीबाबा चाइना ग्रुप ने जो है वो बाय कर लिया, तो अब TCS को जो है वो चेंज करना पड़ा, उसने ये वो डॉट कॉम नाम रख लिया, और ये वो डॉट कॉम भी अब बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल ही जीरो है। तो लेकिन वैसे TCS बहुत कामयाब है, हालांकि उसकी अपनी चेन है पूरी मुल्क में डिलीवरी की। तो इस तरह से फॉरेन कंपटीशन भी जब आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो उसे एडजस्ट होना पड़ता है, वो बुरी तरह अफेक्ट होती है। एंड अबव ऑल डोमेस्टिक कंपटीशन, मुल्क के अंदर भी समटाइम लोकल कंपटीशन होता है, इट मस्ट इंक्लूड फीडबैक, बिकॉज इफ द प्लान कैन नॉट बी फुलफिल्ड
द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मे हैव टू बी मॉडिफाइड सो दैट दे आर फिजिबल इन ह्यूमन रिसोर्स टर्म्स। फीडबैक किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर फीडबैक फीडबैक जो फीडबैक का मतलब है कि कोई अगर आप एक्ट कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वो अमल कैसा है आपका, उसके उसके बारे में आप अपनी राय देते हैं, तो फिर कंपनी जो है वो फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करती है। मतलब आपकी राय को जो है वो देखती है, अगर वो अच्छी होती है तो उस पर अमल करके उसे फीड फॉरवर्ड करती है, आगे उसे इम्प्लीमेंट करती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं ये फीडबैक पे बहुत तवज्जो देती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे जितनी भी मशहूरियाँ होती हैं, आपसे अक्सर सर्वे करवाए जाते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कस्टमर का फीडबैक लेती हैं, वो कस्टमर जो फीडबैक देते हैं फिर उसे इम्प्लीमेंट करती हैं, और वहाँ फिर अपने एचआर में चेंजिंग करती हैं, एचआर में वैसे लोग लेके आती हैं या एचआर डिपार्टमेंट वैसे परफॉर्म करता है जैसे वो फीडबैक देते हैं। जैसे आप सेलुलर कंपनीज की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो बाद में कहते हैं आप अपना रेट दें, आपकी कारकर्दगी कैसी है, फिर आप बताते हैं जी आपकी अच्छी है बुरी है ईटीसी। तो उसके बाद जब कलेक्टिव उनका बन के आता है, उनके एम्प्लाई का चार्ट जो फोन कॉल्स ले रहा होता है, भाई ज्यादा लोगों ने कहा इसकी कारकर्दगी बुरी है, तो वो कहते हैं वो कहते हैं ठीक है आप जो है वो फारिग हैं, आप हम आपको जॉब पे नहीं रखते, या वो ये कहते हैं, या फॉर एग्जाम्पल 90% लोगों की कारकर्दगी बुरी है, फीडबैक ये आ रहा लोगों का, तो फिर वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चेंज करते हैं कि हमारी कोई प्लानिंग में गलती हुई है, कि हमने या गलत बंदों को हायर कर लिया या हमारा कोई सिस्टम गलत डिजाइन हो गया, तो फिर वो प्लान चेंज करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें फीडबैक और फीड फॉरवर्ड, ये दो लफ्ज़ याद रखना है, फीडबैक और फीड फॉरवर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम कैसे करती है या उसका फ्रेमवर्क क्या है? देखें ये जो बुक है, अगर मैं इसका टाइटल कवर आपको दिखा पाऊँ, आपने देखा ही होगा इस बुक के साइड पे लिखा हुआ फ्रेमवर्क। जो बाहर वाली दुनिया है ना, वहाँ काम ऐसे नहीं किया जाता, पढ़ाया नहीं जाता या बताया नहीं जाता, वहाँ बताया जाता है क्या स्टेप होगा, क्या प्रोसेस होगा। फ्रेमवर्क का मतलब है सिस्टम क्या होगा काम करने का। अगर पढ़ना भी है, आपने असाइनमेंट भी बनानी है, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, मतलब सिस्टम क्या होगा, फ्रेमवर्क सिस्टम को कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये बुक जो है इसमें लिखा हुआ है कि इसमें दिए गए हैं फ्रेमवर्क सारे। तो वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है, यानी ये सिस्टम क्या होता है, काम कैसे करता है ये सिस्टम। और अगर पेपर में एचआरपी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये लाजमन ड्रा करना है। ये बहुत अच्छा दिया गया और ये एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक में से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो मे बी वो ये दे दें। वो कहते हैं जो सबसे पहले कंपनी के ऑब्जेक्टिव, देखें हर कंपनी के कोई ना कोई मकसद होते हैं, तो उन मकसद से आप बाहर नहीं जा सकते, उन मकसद के अकॉर्डिंग ही कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट ने चलना है, और उस जो मेन मकसद है कंपनी का उसे फॉलो करना है। ठीक है, उसे फॉलो करके ही बाकी पॉलिसीज जो है वो या प्लानिंग फ्रेम करनी है, बनानी है। तो वो कहते हैं कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी काम कर रही है बहुत अच्छा, तो डिमांड फॉर लेबर, उसे नई लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, उस ग्रो कर रही है तेजी के साथ, नई लेबर की ज़रूरत है। तो जो एचआर, तो एचआर प्लानिंग का जो सिस्टम काम कैसे करता है, ये देखता है पहले, मतलब जो प्लानिंग होती है उसमें, ये उसका सिस्टम है पूरा का पूरा, जो उसमें ये देखते हैं कि कितने लोग चाहिए लेबर में, किस किस्म की लेबर चाहिए, कब चाहिए और कहाँ पे चाहिए। ठीक है, जैसे बोतलों की अगर बात करें, तो गर्मियों में पीक सीजन होता है, तो ऑलरेडी कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सूरत में पेप्सी को के पास एक प्लान होता है। उन्हें प्लान ये होता है कि जैसे ही मार्च का महीना आया, तो इट्स का मतलब है गर्मी शुरू हो जानी है ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा लेबर चाहिए होगी। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान होता है एचआर डिपार्टमेंट के पास, उसमें ये ऑलरेडी सारा डिसाइडेड होता है कि कितने वर्कर्स चाहिए, एक अंदाजन किस किस्म के चाहिए, कब चाहिए और कहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो जब उनके पास ऑलरेडी प्लान होता है, महीने का मौसम का हिसाब किताब होता है, तो फिर जो है वो उन्हें नए इमरजेंसी में भागने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें पूरी करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। अब डिमांड ऑफ लेबर तो होगी मार्च में पेप्सी कोक के लिए, अब सप्लाई ऑफ लेबर, वो कहते हैं कि इस टाइम कंपनी के पास कितनी सप्लाई है, मतलब प्रेजेंट सप्लाईज कितनी है, मतलब और माइनस वेस्टेज, मतलब प्रेजेंट सप्लाई, वो जो एक्टिव लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो इनएक्टिव हैं, मतलब जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे लेकिन उनमें कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उनसे काम लिया जा सकता है, तो प्रेजेंट सप्लाई इस टाइम कंपनी के पास कितनी है। ठीक है, तो
तो वो सबसे पहले देखते हैं, और उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल लेबर मार्केट फैक्टर्स, क्या लेबर मार्केट में मौजूद भी है, पेप्सी कोक को लोग चाहिए, क्या लेबर मौजूद भी है मार्केट में, या मार्केट खाली है, लोग हैं ही नहीं, तैयार ही नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान में तो चले लेबर अवेलेबल होती है, बाहरले मुल्कों में बहुत बड़ा मसला होता है कि मार्केट में लोग ही अवेलेबल नहीं होते काम करने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं कि आपके पास इस टाइम लोग कितने हैं और बाहर लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए या नहीं, और उसके बाद ये सप्लाई ऑफ लेबर हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है वो, अच्छा एक तरीका ये भी है कि लेबर की कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है, आप नए लोग हायर ना करें, जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं ना, अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो आप उसके जो है वो 12 घंटे काम कर दें, उसे कहें कि हम इन 3 महीने में आप 12 घंटे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे FBR है, तो FBR में क्या होता है कि जैसे 30 सितंबर को या फिर जो है वो 30 जून को जो है वो रात 12 बजे तक ड्यूटी होती है, काम होता है, या सम टाइम जो पीक सीजन होता है, जैसे अभी पिछले पूरे 6 महीने हफ्ते की छुट्टी बंद थी, तो बजाय कि वो हफ्ते वाले दिन नया वर्कर हायर करते, या अभी आजकल भी हफ्ते की छुट्टी हमारी बंद है, वो नया वर्कर्स हायर करें, अभी टाइम भी रात 12 बजे तक होगा 30 सितंबर को, और 10 बजे तक, 12 बजे तक होगा इन आखिरी 2-3 दिन में, तो नए वर्कर हायर करें 2 घंटे के लिए, तो वो ऑलरेडी जो अवेलेबल वर्कर होते हैं ना उनके वर्किंग आवर्स भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे बैंक्स में भी होता है, वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसी लेबर से, उसी वर्कफोर्स से काम करा लिया जाता है, ये भी एक तरीका है। अच्छा वो कहते हैं पॉसिबल एंड इकोनॉमिक इंक्रीजेज इन सप्लाई ऑफ लेबर, यूज ऑफ पार्ट टाइम वर्कर। अच्छा कि सम टाइम ये भी होता है कि कंपनीज, जैसे शुगर का सीजन होता है तो वर्कर्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो उस टाइम जो है वो वर्कर शॉर्ट भी हो जाते हैं सम टाइम, या वर्कर की उजरत रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो सप्लाई ऑफ लेबर में ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद यूज़ ऑफ पार्ट टाइम वर्कर, सम टाइम कंपनी का काम चल रहा है तो परमानेंटली जो है वो नई शिफ्ट में फुल टाइम एम्प्लॉय रखने की बजाय जो है वो कंपनी जो है वो पार्ट टाइम वर्कर भी रख सकती है, जो पार्ट टाइम कंपनी में आए रात को या कुछ घंटे के लिए काम करें और अपना चले जाएं। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे लेबर की सप्लाई पूरी की जाती है जब लेबर की डिमांड होती है, और ये सारी चीज़ें तय होती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, उस प्लान के अंदर, उस ये सारा सिस्टम प्लानिंग का, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, HRP का ऐसे काम करता है। उसके बाद वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें होगी, लेबर कितनी चाहिए, सप्लाई कितनी है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ इन्हें फॉलो करना है, और ह्यूमन रिसोर्स प्लान है ये सारे का सारा प्लान। हम दोनों ने इन चीजों को देख के हमने एक प्लान बना लिया, वो प्लान ये है, ठीक है। अब प्लान क्या है कि रिक्वायरमेंट कब होनी है, मतलब रिक्वायरमेंट भर्ती हमने कब करनी है, कब हमें सप्लाई चाहिए लेबर की, हमने कब भर्ती करनी है, मार्च में बोतलों का काम शुरू होना है तो हमने फरवरी में भर्ती स्टार्ट कर देनी है जनवरी में, ठीक है। रिडंडेंसी इसका मतलब है जो फारिग लोग हैं, जो बेकार लोग हैं उन्हें निकालना कैसे है, रिडंडेंसी प्रोग्राम मीन्स के ऐसे कुछ बेकार लोग हैं, जैसे अक्टूबर का महीना आ गया, सर्दी आ गई, तो अब जरूरत नहीं है इतने सारे वर्कर्स की, बोतलों का काम भी थोड़ा हो गया, ठीक है, तो अब उन्हें जो है वो हमने निकाल बाहर करना है फालतू लोगों को जो पार्ट टाइम यहाँ पे काम कर रहे थे, तो ये भी हमारा प्रोग्राम होना चाहिए कि उन्हें किस तरह निकालना, ताकि कंपनी पे जो है ना पैसों का बोझ ना बने, सैलरीज का एक्स्ट्रा बोझ ना बढ़े, या फिर इस तरह जो लोग फालतू में बैठे हुए हैं, जो नाकारा हैं, ना अहल हैं, तो उनसे काम लेना है, उन्हें कंपनी जो है वो बिठा के खिलाने वाली तो नहीं है ना, काम के बदले उन्हें जॉब दी हुई है, तो उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जाए, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जाए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, ताकि जो है वो उन्हें जो है वो काम सिखा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए या उनसे काम लिया जाए। इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी, ये हमने कल पढ़ा था कल वाले लेक्चर में। अकोमोडेशन प्लान का मतलब है के जो रहा जो वर्कर्स हैं ऑब्वियसली दूर दूर से आते हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, मिलें होती हैं, चाहे उसमें सुपरवाइजर है, मैनेजर है, या जो भी लोग हैं, तो वहाँ पे जो उनकी रहाइश का बंदोबस्त भी होना चाहिए, ताकि ताकि उन्हें भी कोई मसला ना हो और वो इजीली अपने काम पे भी सुबह जा सके। तो बहुत सारी, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान के अंदर ही ये सारी चीज़ें, अकोमोडेशन प्लान भी डिसाइड और तय किया जाता है। ये हो गया जी ह्यूमन रिसोर्स प्लान, और ये किसे देख के बनाया जाता है, इन दो चीज़ों को, डिमांड ऑफ लेबर को और सप्लाई ऑफ लेबर को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है, और ये बनता है किसी भी कंपनी के
जो अजायम और मकासिद होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके अंडर, और इसके बाद देखा जाता है कि ये सारा हमारा प्लान सही है, काम सही से कर रहा है। तो फीडबैक लिया जाता है मुख्तलिफ इंटरनल लोगों से, एक्सटर्नल लोगों से। अगर फीडबैक सही है, वो कहते हैं कि जी आपके प्लान सही काम कर रहा है, हमें लेबर सही टाइम पे मिल रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है हमें सही टाइम पे लेबर मिल रही है जब हमने डिमांड की थी, और लेबर की सही सप्लाई हमें मिल रही है, वर्कर भी अच्छे मिल रहे हैं, किस किस शहरों में हमारे जो प्लांट्स हैं वहाँ पे पूरी सप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब आपका प्लान सही है। अगर ये कहता है नहीं हमारे पास तो बंदे ही नहीं पहुँच रहे, जो है वो लोग ही नहीं हमारे पास अवेलेबल, हम कैसे बोतलों की फिलिंग करें, तो फिर इसका मतलब है इनका जो प्लान था वो खराब था, तो ये मॉडिफाई करेंगे, अपने प्लान को चेंज करेंगे। तो इस तरीके से पूरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम काम करता है। तो इस तरह के सिस्टम, इस तरह के फ्रेमवर्क जो है वो आपने पेपर में बनाने हैं, और इस सेशन खत्म होने के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुकूमत का हम पढ़ रहे हैं सारी चीजें, तो आपको खुद बनाने आने चाहिए, आप इस काबिल होने चाहिए। आगे वो कहता है ड्यूरिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दौरान जो है वो क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो कहता है सबसे पहले जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लान करें तो सबसे जो की इंपॉर्टेंट चीज है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का मकसद है, उस मकसद के को देख के ही आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करें। ऐसा ना हो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कुछ हो और कंपनी का मकसद कुछ हो। कंपनी का मकसद हमें कहाँ से पता चलता है, वो पता चलता है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से। अजायम और मकासिद क्या है, हर कंपनी के मुख्तलिफ हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी का हो सकता है कि मुझे अद्वियात ज्यादा बेचनी है, या मुझे ये वाली भी नई अद्वियात बनानी है, तो इसलिए मुझे इतने फार्मासिस्ट चाहिए, ठीक है। तो इस तरह विजन जो है वो कंपनी का विजन होता है, नजरिया होता है कि कंपनी जाना कहाँ जाती है, उसका मकसद क्या है, तो वो विजन में अपने नजरिए की जो स्टेटमेंट होती है उसमें वो डिफाइन करती है। और मिशन होता है कंपनी का, कंपनी के वो मकासद जो एक साल के अंदर उसने, एक साल के जो कंपनी के मकासद होते हैं, उस स्टेटमेंट जो वो तहरीर करती है स्टेटमेंट में, उसे मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। और एक साल से ज्यादा, 5 साल या 10 साल के जो मकासद होते हैं, या एक साल से ज्यादा, वो सारे विजन स्टेटमेंट में तय करती है कि आज हम हैं कहाँ पे और हमें फ्यूचर में जाना कहाँ है, वो तय होता है विजन में, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी होते हैं हर कंपनी के, हमारे मकासद क्या हैं, किसी का होता है कि हमने सेल बढ़ानी है, किसी का मकसद होता है कि आईटी में हमने नंबर वन बनना है, किसी का होता है आईटी कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, हॉस्पिटल्स का होता है हमने इतने वार्ड खोल देने हैं, ठीक है। तो हर कंपनी और कोई ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि हमने, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का होता है हमने इतने डिपार्टमेंट्स खोल देने हैं, इतने कैंपसेस खोल देने हैं। हर हर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, तो एचआर प्लानिंग उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखकर ही बनानी चाहिए। और इस बुक में अगला जो हिस्सा है वो रेफर करता है लॉन्ग टर्म एचआर प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अब उसे पढ़ते हैं। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज यूजुअली रिगार्डेड एज वन विच अटेम्प्ट टू फोरकास्ट फॉर अबाउट 5 years अहेड। लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लान वो होता है जिसमें हम 5 साल का तय करते हैं कि 5 साल में हमें एचआरपी में क्या करना है, 5 साल का हम अपना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। द कंपनी मस्ट कंसिडर द डिमांड ऑफ लेबर, इट्स पोटेंशियल सप्लाई विद करेक्शन फॉर इट्स प्रेजेंट मिस यूज एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट बाई स्टडिंग द इंटरेक्शन ऑफ ऑल दिस फैक्टर। इट कैन प्रोड्यूस अ प्लान शोइंग हाउ मैनी वट काइंड ऑफ एम्प्लाई आर एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। देखें इस बुक के इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं दो चीजें, शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये होता है, वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे मल्टीनेशनल होगी, पेप्सी, यूनिलीवर, कोक, ठीक है, तो ये पिछले 100 से 150 साल से है, तो ये एक दिन या एक हफ्ते का प्लान नहीं करती, एक साल का नहीं करती, ये कई सालों और दहाइयों का करती है। होंडा होगी, ये दहाइयों का करती है और उसमें इंप्लीमेंट करती है। तो ये यहाँ पे प्लान वो कह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं, और वो 5 years पे एग्जिस्ट होता है, 5 साल का लॉन्ग टर्म प्लान होता है। उस 5 साल में वो तय करते हैं कि हमें, हमने 5 साल में जो है वो किन किन डिपार्टमेंट्स में हमने कौन कौन सी प्रोडक्शन खोलनी है, वहाँ पे किस तरह के वर्कर्स की जरूरत होगी, किस तरह के लोगों की जरूरत होगी, किन लोगों को हमने हायर करना है, किन लोगों ने 5 साल में जाना है, किन लोगों को उनका अल्टरनेटिव बनाना है, किन लोगों को ट्रेनिंग दे के उनकी जगह जानशीन बना के लगाना है। तो ये सारी की सारी चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तय होती हैं। और अगले 5 साल में हमारी फोरकास्ट कितनी होगी, हमारी मतलब एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी, एक्सपेक्टेड कंपनी कहाँ पे होगी, ग्रो कहाँ पे करेगी, उस टाइम हमें हमें ऑलरेडी आज ही तैयारी कर लेनी चाहिए। कितने लोग होंगे, जैसे गूगल है, फेसबुक है, उन्हें पता है कि हमने 5 साल में यहाँ होना है, ठीक है। जैसे 2015 में उन्हें पता था कि हमने 2020 में यहाँ होना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एम है,
तो 2015 में उन्होंने तैयारी कर ली कि हमारे पास इतने वर्कर 2020 में, टाइम टू टाइम 2017 में इतने चाहिए, 16 में इतने चाहिए, हर साल इतने चाहिए, तो हमें उस टाइम तक इतने लोग चाहिए, इतने लोग छोड़ के जाएंगे, इतने लोग रिटायर होंगे, इतने लोगों का डेथ हो सकती है, एक एस्टिमेटेड फिगर वो रख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट फिगर। तो ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं ये बड़ी कंपनीज जो है वो बैठ के बनाती हैं, और वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अच्छा, वो कहते हैं इस ये वो कहते हैं कि स्टेप्स इन लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहते हैं द क्री अब ये कैसे होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई ऐसे है कि एक बंदा आया बैठा पेपर लिया उसने और बैठ के जी प्लान बना दिया? भाई एचआर एक सिस्टम है, एचआर एक बंदे का नाम नहीं है, एक पॉलिसी बनाने वाले का नाम नहीं है, एक हुक्म देने वाले का नाम नहीं है, इट इज अ कंप्लीट सिस्टम, और सिस्टम में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। वो कहते हैं अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म, तो आप एक एचआरपी ग्रुप बनाएंगे, आप जो बड़ी कंपनी है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ग्रुप बनाती है अपनी कंपनी में, जिसमें बहुत सारे मैनेजर्स इंक्लूड होते हैं, और वो मैनेजर कौन लोग होते हैं, हर जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है कंपनी उसका, हर फंक्शन का एक इंचार्ज होता है, वो इंचार्ज एचआरपी ग्रुप का हिस्सा होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मार्केटिंग है, एक पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग हेड होगा वो एचआरपी में शामिल होगा, एचआरपी ग्रुप में शामिल होगा। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड होगा वो भी इसमें शामिल होगा। प्रोडक्शन हो रही है, पूरा प्लांट चल रहे हैं, मशीनरी सब चीजें नई आनी है बाहर से, खाम माल ये वो फलां, तो उसका भी जो हेड होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ग्रुप में शामिल होगा। वो बताएगा ना 5 साल में कितनी प्रोडक्शन होगी, इसके लिए कितने वर्कर चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग वाला सेल्स के बारे में बताएगा, अकाउंट्स वाला फाइनेंसिस और फंड्स के, लोन्स के, सब चीजों के बारे में बताएगा, ठीक है। तो इस तरह जितने और हर कंपनी के डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, जितने भी कोई कंपनी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उन फंक्शन के जितने भी फंक्शनल हेड होंगे वो उन पे कंप्राइज होगा एक ग्रुप, जिसका नाम होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ग्रुप, और ये बैठ के 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एचआर ग्रुप विल फ्रेम द, अच्छा, और ये जो एचआरपी ग्रुप होगा ये एक फ्रेम करेगा, मतलब एक कंपोज करेगा स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स। अब ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट, अ प्लान, ये जो प्लानिंग ग्रुप है एक स्टेटमेंट बनाएगा, यानी ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इसका नाम होगा, इन द लाइट ऑफ कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव बनाई जाएगी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए कि जो इंसानी वसाइल हैं उन्हें किस तरह बुरेकार लाना है, उसकी एक तहरीर बनाई जाएगी जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये मुतजाद ना हो, उससे टकराए ना जो कंपनी के मकासद हैं, बल्कि ये कंपनी के मकासद की लाइट में ही बनाई जाए, और साथ कंपनी के मकासद के अलावा इन चीजों को, और कंपनी के मकासद हमने अभी पीछे पड़े हैं, ये एम्स, ऑब्जेक्टिव, विजन और मिशन, ठीक है, ये कंपनी के मकसद है, इन इनके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट ना हो, बल्कि इन्हें मद्देनजर रख के बनाई जाए। प्लस वो कहते हैं इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए जब ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आप बनाते हैं, ठीक है। वो क्या है, किन चीजों को मद्देनजर रखा जाए, वो कहते हैं कि कैपिटल इक्विपमेंट प्लान, सरमाया कितना है आपके पास, आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं और बैठ के आप कहते हैं जी हम अपने एम्प्लॉयज को लंदन से ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज को जो है वो जो बेस्ट फैसिलिटीज देंगे, हम हर इम्प्लाई को जो है वो एक एक 5 मरले का घर देंगे, भाई आपके पास सरमाया इतना नहीं है, पैसे आपके पास इतने कंपनी को चलाने के लिए नहीं, और आप जो है वो वर्ल्ड लेवल की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर लें, ऐसे नहीं होता, बल्कि आप पहले तो देखें कि आपके पास पैसे कितने हैं, इस चीज को भी आप मद्देनजर रखेंगे, ये बुक कहती है। उसके बाद वो कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि चीजों को दोबारा से ऑर्गेनाइज करना, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही तरह से काम नहीं करता, तो फिर उस स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है। और सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है वन वन चे मतलब कमांड एक बंदे के हाथ में होती है, सेंट्रल अथॉरिटी एक ही होती है जो सबको हुक्म देती है। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसे मुल्कों, कुछ मुल्कों में कहते हैं, तो वो पूरे मुल्क की जो है वो उसकी चलनी है पूरे मुल्क में, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो एक ही बंदे के हाथ में, एक ही मतलब बॉडी के हाथ में कंट्रोल है, ठीक है। इसी तरह एक कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होती है, जो डिसीजन लेने हैं जिस तरह के लेने हैं तो वो एक ही बंदे ने लेने हैं, या एक खास ग्रुप है उसने लेने हैं, तो सेंट्रलाइज्ड है मतलब
जो है मरकज, जो महवर है पावर का, या जो है वो हुक्म चलाने का या कंट्रोल करने का या ऑपरेट करने का, वो एक ही बॉडी या एक बंदा हो सकता है। इसे सेंट्रलाइज कहते हैं। और डिसेंट्रलाइज का मतलब है आगे आप पावर जो है वो तकसीम कर देते हैं नीचे वाले लोगों को। जैसे जो है वो कुछ पावर ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें जो है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो नहीं कर रहे होते, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी पावर्स जो हैं वो छोटे जो जो कमेटीज हैं या छोटे जो मैनेजर्स हैं उन्हें भी दे देते हैं, कि जो है वो उन्हें भी अपनी भी इख्तियार तो उन्हें तकसीम कर देते हैं कि इन जो है वो एरियाज में आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि मिल के सारे लोग कंपनी को चलाते हैं, किसी एक बंदे की हुकूमत नहीं होती, बल्कि सारे जो है वो ओनर ही होते हैं कंपनी के, और एक ग्रुप की सूरत में एक बेहतरीन जो है वो वे में कंपनी को ऑपरेट किया जाता है। मैक्सिमम जो पावर होती है वो हर बंदे के पास होती है उसके मैनेजेरियल पोजिशन के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे अभी मैंने होटल एक विजिट किया, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ किसी ने लेनी होती है तो वो मालिक से ही पूछना है। मतलब एक बड़ा होटल है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसने उन्होंने मालिक से पूछना है। एक छोटी सी 50 रुपए की चीज़ भी आनी है, मालिक से पूछना है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज अगर स्ट्रक्चर हो, जैसे उसकी चेन हो, तो बहुत सारे जो एक्सपेंसिज हैं, बहुत सारे जो मैनेजेरियल डिसीजन है, बंदों को रखना है, निकालना है, लाना है, तो वो वहाँ के उन्हें इख्तियार होता है कि आप कर लें। सिर्फ पॉलिसी लेवल के इख्तियार नहीं होते कि जो पॉलिसी बनानी है तमाम जो उस चेन है उस पे इफेक्ट हो, उस पे इम्प्लीमेंट हो, सॉरी। तो इस तरह आगे वो ये है सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और रीऑर्गेनाइजेशन। तो आगे है जी चेंजेस इन प्रोडक्ट और इन आउटपुट। सम टाइम ऐसे होता है कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है ना वो चेंज हो जाती हैं और कंपनी की जो आउटपुट है वो भी बदल जाती है। जैसे आईफोन का आईपैड है, अब आईपैड बदल गया तो आईपैड जो बनाने वाले लोग थे उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है आईफोन कंपनी में, ठीक है, एप्पल कंपनी में, सॉरी। तो इस तरह जो है वो ऑलरेडी प्लान कर रहे होंगे एप्पल वाले कि अगले 5 साल में हमारी आईपैड की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे पहुंचेगी या डिक्लाइन होगी यहाँ पे, तो ऑलरेडी प्लान कर लेंगे कि इन लोगों को जो है वो या शिफ्ट कर दिया जाए दूसरे डिपार्टमेंट में या निकाल बाहर किया जाए इस साल में। जैसे चेंजेस इन प्रोडक्ट और अच्छा मार्केटिंग प्लान हो गए, फाइनेंशियल लिमिटेशन होगी। मार्केटिंग प्लान को मद्देनजर रखकर भी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एचआर ऑब्जेक्टिव बनाई जाती है कि मार्केट में किस तरह से जो है हमारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होनी है, सप्लाई होनी है, वहाँ पे कितनी वर्कफोर्स चाहिए, कितने लोग चाहिए, सारी की सारी जो मार्केटिंग एस्पेक्ट्स हैं किसी भी कंपनी के, क्योंकि सेल तो मार्केटिंग वालों ने जाके करनी है ना बाहर, तो उन्हें मद्देनजर रख के भी एचआर जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है उनकी स्टेटमेंट तख्लीक की जाती है। फाइनेंशियल लिमिटेशन मैंने बता दिया, पैसे आपके पास नहीं है और आप बेहतरीन एचआर पॉलिसी बना लें उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसे आपने अपने फाइनेंसिस को भी मैनेज करना है। जैसे गूगल फेसबुक है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये तो अपने एम्प्लाईज को टूर्स करवाती हैं, उन्हें लग्जरी लिविंग देती हैं, एयर टिकट देती हैं। अब एक आम कंपनी कहेगी जी भाई मैं आपको एयर टिकट देती हूँ और उसके पास सैलरी देने के पैसे ना हो तो प्लानिंग वो इतनी अच्छी बना ले, तो ऐसे नहीं होता, आपको फाइनेंशियल लिमिटेशंस देखनी है। आगे ये चैप्टर कहता है कि द प्रेजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन पार्टिकुलर, इस टाइम हमारे लोग कहाँ कहाँ किस जगह किस तरह किस चीज़ पे किस नौीयत में क्या काम और क्या सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पे हम इन चीज़ों का भी ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। प्लानिंग में हमें ये भी तो पता होना चाहिए करंट वर्कफोर्स क्या है हमारी और क्या परफॉर्म कर रही है, बजाय कि हम नई चीज़ों पर नए उस पर प्लान करते रहे, तो करंट का भी हमें अंदाजा होना चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लाईज हमारे कितने हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में, एस्टिमेशन ऑफ लेबर टर्न ओवर फॉर ईच ग्रेड ऑफ एम्प्लाई क्या है, लेबर टर्न ओवर को आगे पढ़ेंगे। द एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ हाई और लो टर्न ओवर रेट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, लोग छोड़ के जा रहे हैं आ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर कितना इफेक्ट पड़ा है उससे, लोगों के आने जाने से, तो वो क्या है, कितना है इम्पैक्ट, कितना है ऑर्गेनाइजेशन पर, वो हम देखेंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आए जाए चले जाए कोई मसला नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर लोग जा रहे हैं छोड़ के आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग खराब है ना, इस वजह से तो आ जा रहे हैं, अगर अच्छी होती लोग क्यों जाते छोड़ के। अमाउंट ऑफ ओवर टाइम वर्क, कितने लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, मतलब डबल शिफ्टें कितने लोगों को दी हुई हैं, तो शॉर्ट टाइम थोड़े टाइम के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं, अगर ज्यादा लोग डबल टाइम के ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी को एक परमानेंट नए वर्कर की जरूरत है, कुछ लोगों पर ज्यादा टाइम बोझ नहीं डाला जा सकता, तो उसके लिए इन्हें प्लान बनाना चाहिए ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हैं ताकि इन्हें प्लान फिर ये बना पाते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान। आगे वो कहते हैं अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लाइज,
जो करंट इम्प्लाईज वो काम कैसा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छे वर्कर हैं बुरे वर्कर हैं, वो सारी की सारी ये मद्देनजर रखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, रिजल्ट्स कैसे हैं, ये जनरल लेवल ऑफ पेमेंट कंपेयर्ड विद दी अदर फर्म्स। इस टाइम हम जो सैलरीज दे रहे हैं अपने वर्कर को, वो दूसरी जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनके कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, या हम थोड़ी तनख्वाह दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं, तो उसका मार्केट कंपिटेटिव सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या हम थोड़ी दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। नोट फॉर ऑल द अबव एक्यूरेट एंड कंप्लीट पर्सनल रिकॉर्ड आर एसेंशियल। ये तमाम चीजें तभी हो पाएंगी कि कौन कितनी देर काम कर रहा है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कौन कितने घंटे ड्यूटी कर रहा है, किसके जो है वो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है, ठीक है, और कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तभी हो पाएंगी ना भाई, जब सिंपल हमारे पास रिकॉर्ड होगा। जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम चीजें कैसे जो है वो एनालाइज करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास कैसे होंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कंपनी पे बहुत अफेक्ट करती हैं। देखो, कंपनी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो कंपनी के कंट्रोल में होता है, ठीक है। कंट्रोल में मीन जैसे कंपनी के अंदर वर्कर्स ने काम कैसे करना है, ठीक है, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, इनसाइड दी कंपनी जितनी भी एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, कोई भी प्लान करके पॉलिसी बना के, सारी चीजें जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के बस में नहीं होते, लेकिन जब वो चेंज होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो कंपनी पे असर डालते हैं। तो इस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी मद्देनजर रखा जाता है जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। अच्छा, वो ये देखते हैं कि कुछ हमारे पास, एक तो ये है कि ये रिक्रूटमेंट पोजीशंस कितनी पड़ी हुई हैं इस टाइम कंपनी में, जिन पे नए बंदों को हायर किया जा सके। बाहर जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसमें ट्रेंड क्या है, पॉपुलेशन जो है वो उसका ट्रेंड क्या है, मतलब किस तरह जो के लोग जो है वो हमें मार्केट किस तरह के लोगों से भरी हुई है, जिन्हें लेके हम किस तरह के लोगों से सैचुरेटेड है, ठीक है। जैसे इस टाइम पढ़े लिखे लोग काफी मौजूद हैं मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ डिग्रीज में, ठीक है, तो पॉपुलेशन ट्रेंड कहाँ पे है। तो और दूसरा जो है वो, अगर पॉपुलेशन, इसका दूसरा ये भी मतलब हो सकता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हमें अपने कंपनी की ग्रोथ भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है, और उसके लिए हमें ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, और उसके लिए प्लान जरूरी है जो हम बनाएंगे, लोकल हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लान, जहाँ हम अपने वर्कर्स को ना जो है वो सम टाइम हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट प्लान्स भी देते हैं। देखो, जो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी होती है ना, अगर वो देर से आते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, तो वो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे अफेक्ट होती है। एक तो अगर उनका डिस्टेंस बहुत दूर है अपने घर से, तो फिर भी अफेक्ट होती है, ठीक है, और अगर कन्वेंस नहीं है उनके पास, तो फिर भी वो देर से पहुंचेंगे, या जो है वो, या इस तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अपने वर्कर्स का ख्याल रखती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं जो कंपनी पे इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो वो बसेस देती हैं उन्हें लाने ले जाने के लिए। यहाँ मेरे लाहौर कराची वाले जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे, इस्लामाबाद वाले, तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ इदारों की बसें जो उन्हें लेके आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। तो यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, नाम किसी के, तो जो बसें हैं वो इम्प्लाईज को लाती हैं, ले जाती हैं इस तरह से। और खास और ऐसी बसें भी होती हैं जो इम्प्लाईज के बच्चों को लाती ले जाती हैं। छोटे शहरों में ऐसे होता है कि इम्प्लाईज खुद ही बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे हमारे ऑफिस में भी होता है कि 2 बजे सारे लोग ही अपने बच्चों को जाने जा रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, जिसे कस्टमर इफेक्ट होता है। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो बड़ी कंपनी है, वो इस चीज़ का भी ख्याल रखती है कि बच्चों को लाने ले जाने के लिए कंपनी बस प्रोवाइड करेगी, आपको लाने ले जाने के लिए कंपनी बस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो इसलिए जो है, लेकिन आप ऑन टाइम ड्यूटी पे फुल टाइम अवेलेबल हो, ताकि हमारा काम अफेक्ट ना हो। और ये सब चीजें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बनाई जाती हैं कि भाई अगर इनसे पूरा काम लेना है ना, तो इनकी बच्चों की जिम्मेदारी भी आप ले लें उन्हें लाने ले जाने की, ताकि वो टाइम भी बच जाए, और इन्हें कन्वेंस भी दे दें, ताकि जो है वो भी जो है वो इन्हें हैजल ना हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खा के आने पे। और अगर घर आप इन्हें कंपनी के पास ही दे दें, एक परमानेंट घर भी दे दें, और या जो काम जहाँ कंपनी एस्टेब्लिश है वहाँ स्कूल भी दे दें, ठीक है, तो फिर जो है और अच्छा हो जाएगा, फिर तो ये और फोकस के साथ काम करेंगे, हमारे साथ और जुड़ जाएंगे, साथ ही उठेंगे, कंपनी में आ जाएंगे। जैसे मिलें वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे स्कूल भी होता है बच्चों के लिए, कॉलोनी होती है, डिस्पेंसरी होती है, बसें होती हैं बच्चों के लिए, जो वो जगह होती हैं, तो इस तरह से। तो ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाने में वर्कर का टाइम वेस्ट ना हो,
जो है वो उसे चीजें कंपनी अगर प्रोवाइड कर देती है तो वो काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है इन फैक्टर्स को जो इनके हाथ में है। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं एक्सटर्नल जो हुकूमत कहती है कि इन चीजों को फुलफिल करें। जब कोई कंपनी या फर्म या मिल एस्टेब्लिश करती है तो उसमें बहुत सारे हुकूमत के सेफ्टी रूल्स होते हैं, इसके अलावा वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए लॉज होते हैं, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी के रेगुलेशंस होते हैं, उनकी जो वर्किंग प्लेस है उसमें काम जैसे करेंगे, जैसे बिजली पानी पंखा हर चीज जो उन्हें बेसिक लाइफ की फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाए, तो वो हुकूमत ने ऑलरेडी डिसाइड किए होते हैं मुख्तलिफ लाज की सूरत में, प्रोवेंशियल और फेडरल लाज होते हैं, तो उन्हें भी कंपनी को जो है उन पर अमल दरामद करना लाजमी है उन रेगुलेशन को। जैसे हर साल हुकूमत कहती है जी मजदूर की मिनिमम सैलरी 18,000 होगी या 20,000 होगी, बजट में कहती है 15,000 होगी, तो इसका मतलब यही है कि आप चाहे जो मर्जी करें आपको 15,000 रुपये 8 घंटे के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान के तय शुदा है आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल लॉज को भी इस तरह कंप्लाई करना होता है कंपनी को, और भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं एजुकेशन की तो उन्हें भी आपने कंप्लाई करना होता है, बच्चों के लिए एजुकेशन फंड बना सकते हैं, रिटायरमेंट, रीजनल सब्सिडीज। प्राइवेट कंपनियां बेनिफिट नहीं देती लेकिन कुछ ऐसी हुकूमत की पॉलिसीज हैं एम्प्लाईज ओल्ड एज बेनिफिट जैसे है कि अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लाईज को रिटायरमेंट पे बेनिफिट देंगे तो हुकूमत आपको जो है वो टैक्स में प्रिविलेज देगी इस तरह से। तो आपको एक्सटर्नल जो है वो पॉलिसीज होने पे भी इम्प्लीमेंट करना होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म की जाती है उसमें ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। और एक और बड़ा मसला है पोटेंशियल सप्लाई ऑफ लेबर इन पार्टिकुलर। जब हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो हमने कर ली भाई, इतने वर्कर चाहिए, इतनों की डिमांड है, इतनी सप्लाई है इस डिपार्टमेंट में, भाई अगर वर्कर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे हम? अब मार्केट में जब वर्कर ही अवेलेबल नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बाहर का बहुत बड़ा मसला है। जो यूरोपीय मुल्क हैं और यूके इंग्लैंड और यूरोप जो है वहाँ पे वर्क फोर्स अवेलेबल नहीं है। चाइना में तो बहुत वर्क फोर्स है, ठीक है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन इन मुल्कों में वर्क फोर्स ही नहीं है, उनके लिए एक बड़ा मसला है वर्क फोर्स का। तो फिर वो जो मुल्की कंपनी है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में देखती है कि इमिग्रेशन जो है वो उसके कवानीन क्या हैं उस मुल्क के, अगर हम वर्कर्स को इन इन मुल्कों से बुलाते हैं तो फिर उस पर क्या कंपनी को कॉस्ट होगी और बुलाने का क्या तरीकाकार होगा, वो एचआरपी में वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तानी बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो बाहरी मुल्क की कंपनियों के लिए जाके काम करते हैं लेबर का। इफेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिडंडेंसी बाय लोकल फर्म्स। और पाकिस्तान में जो है वो कहते हैं कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं या फिर सम टाइम ऐसे होता है कि आपके पास लोग एक्स्ट्रा होते हैं तो आप फिर उन्हें जो है वो निकाल बाहर करते हैं या फिर लोग छोड़ के भाग जाते हैं दूसरी फर्म में, तो ये भी एक बड़ा मसला है। इसके लिए भी ऑलरेडी आपके पास प्लान बना होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लाइंग कैटेगरीज नॉट नाउ एम्प्लाइड पार्ट टाइम वर्कर्स। कुछ आप ऐसी कैटेगरीज बना दें एम्प्लाइज की कि जो फुल टाइम तो आपके एम्प्लाई ना हो लेकिन पार्ट टाइम एम्प्लाई हो, जब आप जरूरत पड़े तो उन्हें जो है वो आप फुल टाइम एम्प्लाई रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जो मेरे दोस्त हैं वो एनटीएस में हैं, तो एनटीएस में जो है वो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप एनटीएस में जो है वो आ सकते हैं पेपर इनविजिलेटर के तौर पे, तो मैंने तो इनकार कर दिया। इस तरह बहुत सारे एनटीएस वालों ने क्या किया हुआ है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो इम्प्लाई रखा हुआ है, जब उनके पेपर होते हैं संडे की संडे तो उसमें बुला लेते हैं उन्हें, और फिर जो अच्छे लोग होते हैं तो फिर उन्हें हेड भी बना देते हैं, उन्हें फिर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी बना देते हैं। तो सम टाइम बाद में फॉर एग्जाम्पल एनटीएस ज़्यादा ग्रो करती है तो फिर जो है वो जो अच्छे उनमें से लोग हैं उन्हें परमानेंट इम्प्लाई भी रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह पार्ट टाइम एम्प्लाईज को फुल टाइम या परमानेंट में शिफ्ट किया जा सकता है, ऑलरेडी पाइपलाइन में लोग होते हैं। चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी वर्किंग आवर्स और प्रैक्टिसेस। प्रोडक्टिविटी के बारे में पहले मैं बहुत बता चुका हूँ, वर्किंग आवर्स हम चेंज कर देते हैं या जो उनका काम करने का तरीका उसमें चेंज करके भी जो है सम टाइम हम बदलाव ला सकते हैं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे पहले अगर मशीन से काम हो रहा था, अगर कंप्यूटर बेस हो जाए या टूल्स प्रोवाइड कर दीजिए जाए वर्कर को तो काम और आपका आसान हो जाएगा। द फाइनल ऑर्गेनाइजेशन एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जो जो फाइनल है ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, अब हम उस पे आ गए हैं इस चैप्टर के मुताबिक। वो कहते हैं फाइनल कंपनी एचआरपी आफ्टर कंसीडरिंग तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखने के बाद जो हमने ऊपर पढ़ी एंड कोऑर्डिनेटिंग दीज फैक्टर्स, जितने भी हमने ऊपर फैक्टर पढ़े
चाहे वो जो भी हो, जो ऊपर हमने पढ़े हैं, अ ह्यूमन रिसोर्स प्लान मे देन बी मेड, तो तब जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो है वो बन जाता है, शोइंग इन डिटेल बाय फंक्शन। तो इस प्लान, ये जो प्लान होता है डिटेल्ड होता है, और इसमें तमाम जो फंक्शन होते हैं, कंपनी ने चीजें सर अंजाम देनी होती हैं, वो लिखी जाती हैं, एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है, बताई जाती हैं, बयान की जाती हैं। ऑक्यूपेशन, किस बंदे ने क्या करना है, कौन कौन से जो ऑक्यूपेशन जो हैं वो क्रिएट होंगे, वो सारे के सारे इसमें तय किए जाते हैं, किन किन लोकेशंस पे काम होगा, और हाउ मैनी पीपल इम्प्लाइज, कितने लोगों को काम के लिए रखा जाएगा, प्रैक्टिकल लेवल, अमली तौर पे किन किन लोगों को काम के, पेपर में नहीं, सिर्फ अमली तौर पे किन किन लोगों को काम के लिए जरूरत होगी, टू इम्प्लाई एट वेरियस स्टेजेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में मुख्तलिफ मरहलों में अमली तौर पे किस किस जगह कहाँ कहाँ पे कैसे किन लोगों को कितनी अमाउंट में किस टाइम पे जरूरत होगी, वो सारी की सारी चीजें जब ह्यूमन रिसोर्स प्लान बन जाता है तो उसमें लिख दी जाती हैं, उसमें उसमें ये हमें देखने को मिलती हैं इस डॉक्यूमेंट में। जैसे FBR का प्लान था इंस्पेक्टर का, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कि हमें इंस्पेक्टर चाहिए, तो 2015 में जो है वो 200 चाहिए, 2018 में 500 चाहिए, और फिर 2022 में फिर 500 चाहिए, तो इस तरह इन्होंने प्लान किया हुआ था जिसके मुताबिक अब जा रहे हैं FBR में इंशाल्लाह। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये चीजें मौजूद होती हैं, जो प्लान बनता है ना उस प्लान में ये सारी चीजें भी मेंशन होती हैं कि जॉब्स विच अपेयर, जो आने वाले दौर में, आने वाले जो साल होते हैं, 5 साल के लिए होती है ना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसमें कौन सी जॉब्स नई आएंगी, अवेलेबल होंगी, कौन सी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, और कौन सी जॉब्स जो हैं वो उनकी नेचर बदल जाएगी, ठीक है, ये सारी HRP में होती हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डी रीडिप्लॉयमेंट और रिटेनिंग रीट्रेनिंग इज पॉसिबल, जो कुछ ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उन्हें किसी नई जगह पे पोस्ट करना है, या उन्हें एक टास्क से हटा कर किसी दूसरे टास्क पे हटा लगाना है, तो उसका भी सारा मेंशन होता है इस प्लान में। उन्हें ट्रेन कैसे करना है लोगों को, तो वो भी इस प्लान में सारा ऑलरेडी लिखा होता है। कंपनी में जो है वो तब्दीलियां क्या क्या होनी है, सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी और मैनेजमेंट लेवल पे, ये सारी आने वाले दिनों में प्लानिंग है ना 5 साल की, आने वाले दिनों में कौन सी होनी है जो मुमकिन है, तो वो इस प्लान में बताई गई होती हैं, ऑलरेडी फोरकास्ट होती हैं। ट्रेनिंग नीड्स, किन किन एरियाज के लोगों को फलान टाइम पे ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वो भी सारी बताई होती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान में। रिक्रूटमेंट, रिटेंडेंसी और रिटायरमेंट प्रोग्राम, कोई नई भर्ती करनी है वो इसमें पूरी बताई होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लान में। रिटेंडेंसी मीन्स कोई बेकार लोग हैं उन्हें फारिग करना है, सही परफॉर्म नहीं कर रहे, नाअहल हैं, तो उन्हें जो है वो आउट करना है कंपनी से, तो आउट कब करना है, तो किन एरियाज के लोग बेकार हो जाएंगे, तो वो उनका भी यहाँ पे लिखा होता है। रिटायरमेंट जो है वो किन लोगों की हो जानी है जो 60 साल की एज में चले जाएंगे, तो उसका भी पूरे का पूरा यहाँ पे प्लान होता है। उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्प्लीकेशन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं, यूनियंस होगी, ट्रेड यूनियंस होगी, उनके साथ किस तरह आपने बातचीत करनी है, कोई वो मसले मसाइल करती हैं तो वो उनको हल कैसे करना है, वो भी सारा प्लान में होता है। अरेंजमेंट्स और फीडबैक इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन इन प्लान, अगर हमारा प्लान मॉडिफाई होता है तो जो फीडबैक होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, जो फंक्शंस हेड होंगे, उनके जो फीडबैक्स हम लेंगे, HR प्लानिंग डिपार्टमेंट जो लेगा, उस फीडबैक के मुताबिक HR प्लानिंग को मॉडिफाई कैसे किया जाएगा, बदला कैसे जाएगा, तो ये सारा भी ऑलरेडी इस प्लान में होता है। कंपनी ऑब्जेक्टिव्स आर नेसेसरी, कंपनी के मकासद के तहत ही ये प्लान बनाया जाता है, उसे मद्देनजर रखकर उसी की लाइट में जो ये प्लान जो है वो फ्रेम होता है उसी के अंडर। डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट उसी के मातहत होता है ये प्लान। डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर हैंडलिंग एनी ह्यूमन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम लेबर, कोई भी अगर इंसानी प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई भी किसी भी तरह की कुछ भी नया मामला हो सकता है, तो वो सारे का सारा जो है वो इस प्लान में लिखा होता है कि अगर कोई इमरजेंट अर्जेंट सिचुएशन हो जाए, कोई नया इशू हो जाए, या कोई नया मसला पैदा हो जाए इंसानों से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, तो उसे भी हैंडल हम करेंगे, उसे कौन हैंडल करेगा, क्या प्लान है उसका, वो भी होता है। लेकिन इमरजेंट सिचुएशन के लिए भी प्लान रखती हैं प्राइवेट जो दूसरी कंपनीज। लेबर डेफिसिट और सरप्लसेस, लेबर की कमी हो गई है तब कहाँ से हायर करेंगे, सरप्लस हो गई है, ज्यादा हो गई है,
तो तब उनका क्या करना है, उनकी रिटायरमेंट को दे रहे हैं तो वक्त से पहले उन्हें रिटायर कर देना है, या फिर जो है वो नेचुरल वेस्टेज प्रोसीजर, कोई कुदरती तौर पे जो है वो चला गया है, मतलब अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो तब उसकी सूरत में क्या मतलब हमारे पास अल्टरनेटिव उसका जानशीन होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें तहरीरी होती हैं एक प्लान की सूरत में, जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैंने एचआर प्लान, और ये बनाता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ग्रुप, एचआरपी ग्रुप इसे डिजाइन करता है, जिसमें तमाम फंक्शंस हेड जो हैं उसके मेंबर होते हैं, और ये 5 साल का प्लान होता है। सो यहाँ पे जो है वो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका हिस्सा, द एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेटर इक्विप्ड टू कोप विद द ह्यूमन रिसोर्स, वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं और आपके पास उस चीज को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी प्लान होता है, तो आप इजीली उस प्लान के जरिए जो है फ्यूचर की मुश्किलात से बआसानी लड़ सकते हैं। आगे वो कहते हैं केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ लाइकली फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कुड लीड द फर्म टू डिस्कवर न्यू एंड इम्प्रूव वे ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सारी चीजें तय होती हैं, और फ्यूचर में आपने किस तरह से जो है वो कंपनी या फर्म को लीड करना है, इसमें आपको एक पूरा रास्ता दिखाई देता है, पूरा जो जिसके जरिए आप उस पर चल के अपनी वर्क फोर्स जो है वो उसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेबर शॉर्टफॉल सरप्लस जो है वो उन्हें अवॉइड किया जा सकता है अगर ऑलरेडी हम प्री प्लान हो हमारे पास चीजें। इट हेल्प द फर्म टू क्रिएट एंड डेवलप एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम। सक्सेशन प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट हेल्प द फर्म क्रिएट एंड डेवलप एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्रामिंग। सक्सेशन का मतलब होता है जानशीन, मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई भी लोग परमानेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका अल्टरनेटिव कोई ना कोई होना चाहिए, जो उनको कल को कोई छोड़ के चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो सक्सेशन प्लानिंग होती है कंपनीज की, कि अगर ये चला जाए तो इसका मुतबादिल कौन होगा, चाहे मौत के जरिए चला जाए या फिर ये रिटायरमेंट के जरिए या रेजिग्नेशन के जरिए चला जाए या छोड़ के चला जाए, तो इसका अल्टरनेटिव क्या कौन होगा। तो इस तरह सक्सेशन प्लानिंग की जाती है हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि वहाँ पे हमें सक्सेशन प्लानिंग मिलती है, ना कि कोई बंदा चला गया और तब हम रो रहे हैं कि ऑन स्पॉट अब क्या होगा, ऑन स्पॉट मतलब किसे हायर करें। जैसे बाहरली कंपनियां तो इतनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती हैं, और पाकिस्तान में तो हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर आज ये वजीर चला गया, ये बंदा चला गया, तो इसका अल्टरनेटिव कौन होगा। ठीक है, कोई कुछ कुछ पता नहीं है। सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग चेंज मे बी फोर्सिन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस मिटिगेटेड कंसल्टेशन विद अफेक्टेड ग्रुप्स एंड इट कैन अकर एट अर्ली स्टेज इन द चेंज प्रोसेस। डिसीजन कैन बी टेकन अनहर्डली एंड बाय कंसीडरिंग ऑल रेलिवेंट ऑप्शंस रादर देन बीइंग टेकन इन क्राइसिस। जब क्राइसिस इमरजेंसी का सिचुएशन होती है, बजाय कि उस टाइम आप भागे फिरें, तो ऑलरेडी जब आपके पास एक पूरा प्लान डॉक्यूमेंट हो, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान आपने बनाया हो, तो अच्छा नहीं है कि उसी वही जो है वो उस मुश्किल टाइम में वही आपका जो प्लान है जो उस मुश्किल को फेस करने के लिए बनाया था या नॉर्मल चीज़ों को फेस करने के लिए बनाया था, तो उसी को आप अमल दरामद उस पर कर लें। मैनेजमेंट इज कंपेल्ड टू असेस क्रिटिकली द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इट्स लेबर फोर्स एंड पर्सनल पॉलिसीज। जो मैनेजमेंट होती है उस पर भी प्रेशर होता है, जब एक पूरी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है ना, तो उसमें सारी चीजें हैं, सब लोगों के जो वर्क्स हैं, टास्क हैं, राइट्स हैं, सब चीजें मेंशन और तय होती हैं, तो जो हायर मैनेजमेंट होती है उसके ऊपर एक प्रेशर भी बना रहता है। ठीक है, इस तरह जो वर्कर्स होते हैं उन्हें भी अपनी हाई सेटरेंस के साथ काम करना पड़ता है, जो वीक जो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी हम जो है वो देख सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो वीकनेसेस होती हैं तो उसे हम जो है वो ओवरकम कर सकते हैं इस प्लानिंग के जरिए, बजाय फ्यूचर में हमारी वो वीकनेस जो है वो अपेयर हो और उससे उसके रिजल्ट खराब हो, तो पहले से हम अगर वीकनेसेस को एनालाइज कर लें, फोरकास्ट कर लें, तो हम शुरू में उसे ओवरकम कर सकते हैं, और जैसे ही वो मुश्किल वक्त आए तो हम हमारे पास ऑलरेडी एक जो है वो प्लान इंप्लीमेंट के काबिल हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें पता चलता है कि ईद का सीजन और बहुत ज़्यादा
बोतलों की सेल होनी है, तो हमारे पास ऑलरेडी जब प्लान होगा कि ईद में जो है हमें इतने वर्कर यहाँ यहाँ से हायर कर लेंगे, यहाँ से अवेलेबल हैं, रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए, तो फिर वो भाग के आगे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह प्लानिंग हमें इस तरह हेल्प देती है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट अमंग एम्प्लाइज कैन बी अवॉइडेड, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वर्कर्स एफर्ट इज इम्प्रूव्ड। जो है वो एक बंदा दो दो दफा काम करे, डुप्लीकेशन अगर हो जाती है, तो इस तरह कंपनी को दो दो जो है वो एक जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम होगा, चीजें सही होंगी, पूरे प्लान के अकॉर्डिंग होंगी, तो डुप्लीकेशन से भी बचा जा सकता है। ये नहीं कि कंपनी ने दो बंदे हायर कर लिए, पता नहीं है कौन सा काम किसने करना है, एक ही बंदे एक ही काम दो बंदे कर रहे हैं, नहीं, हर बंदा एक अपना अपना काम करेगा। व्हेन एग्रीड द प्लान मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कहते हैं जब आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लान बन जाए, द प्लान मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज बट पार्टिकुलरली टू द मैनेजर्स एंड जूनियर, और रिप्लाई रिपीटेडली इट ऑफन नेसेसरी एंड एडवाइजेबल टू नेगोशिएट विद ट्रेड यूनियन डिटेल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। कहते हैं जब आपका प्लान बन जाए, तो जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं आपकी कंपनी की, एम्प्लॉइज एसोसिएशन हैं, उन्हें भेज दें, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं कंपनी के, हाई ऑफिशियल्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेबर यूनियंस के हेड हैं, और भी जितने जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्हें ये प्लान की कॉपी भेज दें कि भाई ये हमारा कंपनी का 5 साल का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पूरा जो है वो किताबचा है, ये आप इसे देखें, ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी है अगले 5 साल की। तो वो सब लोगों को भेज दें ताकि वो इससे पूरे के पूरे लोग आगाह हो जाएं, उन्हें पता चल जाए। तो इस तरह से जो है ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ये सारे थे एडवांटेजेस। तो आगे है शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि रुक जाएं रुक जाएं। सो ये था आज का हमारा सेशन।